भाई बहन लड़का सबको के राम राम, नमस्ते सलाम। आज हम फिर से उपस्थित बाती हस्ती मस्ती समाचार लेके। आज है अप्रैल के पहला तारीख 2022। समाचार पढ़े से पहले हम मांगिला उ लोगों के जेकर घरे कोई के मृत्यु भइल है, शोक सहानुभूति प्रगत करे और यही मांगिला बोले कि भगवान से प्रार्थना करो कि तू लोग के शक्ति देवे ई महान दुख सहे के खातिर। जे कोई बीमार या लाचार अस्पताल या घरे है ओके फनहार तबीतर सा, और जेकर घरे कोई नौता है ब्याह शादी छठी मूरन, तू लोग के बहुत से बहुत बधाई होवे। यहाँ से हम शुरू करबे समाचार। तो समाचार में सबसे पहला खबर ये हैगा कि फेहापी के होफ क्वार्टियर जो जगन्नाथ लक्ष्मण स्ट्रात में है, वहाँ पर एगो बीगी बमबारी फेरकोप आक्सी हैगा। तो वहाँ पर 14 चीज 160 रुपया में मिले हैं। तो मनई लोग अपन मोटर गाड़ी ले के और पैदरे सब कोई जाए के कीने हैगा, और धले सवेरे से 1 बजे तलक तो लगभग 1000 पैकेट बिकाई चुकल हैगा। और जे के सब कोई चाहे आईडी कार्ड ले के जाए के, क्योंकि एक जने के एक पैकेट मिलेगा। तो अब वही सब हन बेचे हैगा, अब देखो का होवे। हाँ, ये डफरीस और सुबिस्को के जो तेल बसलाह में ले रहा तब उ सबन के मिल गया हैगा तरह, उ सबके मिल गया है वापस। बोले कि उ ना मिलल रहा कि उ सब लुकवाए रहा, बोले उ तेलवा कहूँ अंते जात, बोले धोस धल्ले बिकाई गया रहा उ तेलवा, तब महासैन वाम धरल रहा, बोले उ सब ना चोरवाए रहा। जोन 3 गो सिपाही रहा ERSB और EP, ई सब हन जब बन भइल हैगा तो सबके 30 रोज के फरलैंगिंग मिलल हैगा। बात ई हैगा बोले कि 28 तारीख मार के इस सब पकड़ाई के बन भइल है। ई सब हन गियर्मो आ जोन हैगा वो भी पकड़ाई बन रहा, वो आ छूट गए बा। तो गियर्मो आ जोन है ई 24 तारीख फेब्रुआरी के सिपाहियों के पकड़े रहा, तो सिपाही ओकर लगे से कोकाइन ले ली रहा और ना लौटार के देस हैगा। तो वो वजह से जर्नालिस भइल है, तो 3 सिपाही पकड़ाई के अब बन भइल हैगा। तो उस सबके 30 रोज के फरलैंगिंग मिलल है। एगो औरत जोन हैगा 32 साल के बैरनादीन अंशलिन, वो कोकाइना लेक जाता है। तो 25 तारीख नवंबर के 2021 में वो पकड़ान रहा संदरई पे, तो वो बन रहा। तब वो एक दाई भी भाग चुकल रहा और यारी के रोज भागल रहा, और फिनो कल यहाँ फिनो वो भाग गए बा लगभग 7 बजे रात के। और पेनिटेंशियर उबीफे के पेनिटेंशियर इन रिहतिंग में जात, तब वो रात के भाग गए बा। तो अब सिपाही ओके खोजबीन करे हैं। और एगो लोंदा भी एगो दूसर लोंदा भी भाग गया हैगा, तो धल्ले 2 जने भागल है। ई वाला 8 फ्लिट से भागल है 31 साल के आमिर साहेबदीन, और ई चोरी के वजह से बन रहा तो ई भी भाग गया हैगा। तो अब सिपाही अब इस सब के अब खोजबीन करे हैगा। जोन एक रोज बीतल है ओमन में से 87 जने गए रहा कोरोना देखवावे सिर्फ ने तह तह टेस्ट, और ओमन में से 19 जने कोरोना रहा ईबा 21%। और अस्पताल में अब कोई जने ना है कोरोना सा, ना इंटेंसिव केयर में है, तब धल कोरोना अब कमती होवे। जोन दूध अब सब हन कीने है, ओ दूध के दाम अब 14 रुपया हो गए, पहले 10 रुपया 1 लीटर रहा, अब 14 रुपया हो गए हैगा। बोले कि मिनिस्टर शिवदीन के कहना है कि फूर चढ़े हैगा और सब जगह चढ़े है, तो वही से बोले कि अब दूध के दाम अब चढ़ाए दे से 10 रुपया से 14 रुपया हो गए हैं। 80% जो सूरीनाम के जनता है वो सब अपन नवा आईडी कार्ड ले ली सहीगा, और 15 तारीख मार्च से पुराना आईडी कार्ड अब सब हन ना लेवे है, खाली नवा आईडी कार्ड लेवे हैगा। और जे कोई अब जाए आईडी कार्ड बनवावे तब उस सब हन के
भूतु भरे के पड़ेगा, उस अभन के भूतु भरे के पड़ेगा। और बोले कि 75 रुपया भूतु जतो के पुराना आईडी कार्ड थे और अब जाइए नवा बनवावे। सरकार सब कोई के मौका दे रहा बिना पैसा भरे के और जाए के अपन आईडी कार्ड बदलवाए लेवे के। सिकोफोन्स जो है SATF वो बोले कि वो एस आई बेस हैगा, बोले जो तारीफ हैगा ओके देखे के और देख सके कि चहरी कि ना चहरीगा। बोले जो सिकन हाउस रात है वो सब SATF के उल्टीमेटम देबा कि जब 4 तारीख अप्रैल तक कुछ ना मिलल तब इस सब हन ना लेगा पेशेंट के, क्योंकि कि तो पेशेंट्स भरवाई तो SATF बोले हम लोग बेसह बाती सब चीज़ करे। बोले कि हो सके कि हम लोगन उपाय ले आबे हम लोग के तनी से समय दे। एगो 5 हफ्ता के बीबी आज ओकर मौत हो गए बा सुबह सवेरे सवेरे। बोले वो लड़का 7 महीना पे पैदा हो गए रहा 25 तारीख फरवरी के तो क्यूफेसम रहा। तब बोले कि माई ओके ले के आयल घरे 2 रोज खाली रहा घरे। मंगर के 29 तारीख मार्च के निकल लड़का घरे, मंगर बुट के रहा और बीफे के रात में जो सवेरे माई गए आज सुबह माई 3 बजे गल पियावे लड़का तो देखे लड़का ना हिले डोले हैगा। तब बोले कि सभन ओके सिपाही के तार करिस तो सिपाही आल दतरा और लैक वाहन ओहन बैल करिस तब लड़का के देहांत हो गया। एगो सिपाही सुरीनाम के नालिश करी से बोलो कर घर से 30,000 पैसा चोरी भैल हन असलो स्तवह में। बोले कि बोले कोनो आदमी जो कर घरे गए रहा काम क्रिया कर काम उम कोनो करे तब बोले हो सके कि वो पैसा चोरी कर ले ले होएगा। बोले कि ओकर घरे मने लोग गए रहा काम करे तब बोले कि वो सोचे है कि वही साइड चोरी करे हो तो नालिश करी से। तब जो मने गए रहा ओकर घरे काम करे ओके सिपाही अपन बुलाए के और ताकि ओकीगा तब जब देखेगा कि सच्चे के पूछताछ करी तो हो सके शायद वही चोरी करे होएगा। तो जब वही चोरी करे होएगा तब अब सिपाही ओके पकड़ो करके अब बंद करेगा। यहाँ तक रहा आज के लिए हंसती मस्ती समाचार। जो भूल चुक हुई क्षमा कर दियो। जिंदगी बाकी रही तो कल यही मोड़ पे मुलाकात होगा। सब कोई के राम राम नमस्ते सलाम। हस्ती मस्ती समाचार के स्पॉन्सर है लानबाव शॉप गरीब। लानबाव शॉप गरीब वो दुकान है जहाँ पर छोटा छोटा खिल्ला से बड़का बड़का कासी बेदी गद्दा बिका हैगा। हुआं पर सौदा पानी भी सस्ते दाम पे बिका है। चाहे जोन सामान के जरूरी भैल पहुँच जा लानबाव शॉप गरीब, हुआं पर सब सामान मिले है। लानबाव शॉप गरीब है इंदिरा गांधी वेख पौली निवखरौन के बगले में। पार्केर प्लाट्स भी है हुआं पर। एक फिलियाल है लेली दौरब जहाँ वाटर लाइडिंग के पैसा भरा है ओकर बगले में। एक फिलियार है तुतलीफो कनाल में, हुआ पर भी पार्केर प्लाट्स है। एक फिलियाल है मार्टिन लूथर किंग वेख, हुआ पर सोतू पोस्ट के हबरा में है गा। और एक फिलियाल है क्वाता में जहाँ पर देशकोटी ककाओ है ओकर बगले में। चाहे जोन सामान मंगे खरीदे चल जा लानबाव शॉप गरीब में। मुर्गी तैयार है शुरू वाला जादू। Let's J It's Lekkers, dan moet je zijn bij Silas Roti Shop. Gevestigd op 2 locaties. Aan de Guataweg tegenover de Tweede Rijweg, hoek Islamstraat. En aan de highway Martin Luther Kingweg, hoek Pandit Paltan Tewariweg en het Mondiaal Complex. Bij ons bent u terecht voor de lekkerste roti kip, roti tops, roti roll, roti vegetarisch. U kunt kiezen uit daal, alu, paratha en sikwa roti. Verder ook nog nasi, bami, rijst, heerlijke snacks zoals samosa, bara, blouri, kroket, lumpia, crispy one enzovoorts enzovoorts. En niet te vergeten lekkere rasgulla, rasmalai en fruitcocktails. Elke ochtend hebben we lekkere, warme, belegde broodjes. U kunt ook bellen en bestellen. Check ons Facebook page voor meer info en aangepaste openingstijden.
Silas Roti Shop. Bij ons bent u terecht voor eten met kwaliteit en kwantiteit. Aan de Quattaweg en aan de Highway Martin Luther Kingweg.